जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो ऐसी सेवनी का दुग्ध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। साफ सीधी बात, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। ये कहावत शायद पहले भी आपने सुनी होगी और हो सकता है अभी सुन रहे हो नहीं। एक 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 कहानी बताता हूं, एक छोटी सी कहानी है। गिद्ध समझाते ना, गिद्ध, गिद्ध के बारे में सभी लोगों ने सुना है। क्या गिद्ध की लाइफ के बारे में कभी किसी ने जाना है? गिद्ध क्या? गिद्ध जो मांस खाता है खींच खींच के, पक्षी, ठीक है, पक्षी होता है एक प्रकार का, बहुत बड़ा। जो क्या करता है, मरे हुए पशुओं को खाने की कोशिश करता है, ठीक है, रेगिस्तान में ज्यादा पाया जाता है। तो होता क्या है, गिद्ध की अगर लाइफ आप देखोगे 20 साल लाइफ होती है उसकी, 20 साल के बाद वो मर सकता है, मर सकता है, लेकिन मरेगा नहीं, मर सकता है। और जो वो एफर्ट नहीं लगाते वो मर जाते हैं, तो मर जाते हैं, मर जाते हैं, समझ रहे हो? शायद पहले एक कहानी सुनी भी होगी, इसके बारे में जाना भी होगा, नहीं सुनिए तो दोबारा से बात करते हैं, जो लोग नए बच्चे हैं, ठीक है। गिद्ध जो होता है उसकी लाइफ जो होती है वो 20 साल होती है, और थोड़ा सा मेंटेन और कर लेता 20 साल और बढ़ जाती है, 40 हो जाती है उसकी लाइफ। ऐसे इंसान के साथ होता है। गिद्ध जो होता है, गिद्ध को इतना संघर्ष करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गिद्ध के हर 20 साल बाद क्या होता है, उसके पंख इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता, ठीक से उड़ नहीं पाता है। गिद्ध के नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि वो कुछ पकड़ के खा नहीं पाता है। उसकी चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कुछ चबा नहीं पाता है, गिद्ध की, हर 20 साल के बाद। तो गिद्ध पता है क्या करता है, गिद्ध जो होता है वो कटीली झाड़ियों में जाता है, ऊपर से उड़ के आता है बहुत स्पीड में। अब हमारी तरह एक तो नहीं है कि नेल के अंदर से नाखून काट ली, उसके बाद इतना माइंड तो नहीं ना वो कर सकता है ऐसा, उसे प्रकृति ने ऐसा बनाया नहीं। लेकिन हाँ, जो भी उसके पास दिमाग है थोड़ा सा, उसका यूज करता है वो, और उसका यूज करके अपनी लाइफ को और बढ़ाता है आगे। अगर वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा। तो वो क्या करता है, ऊपर से बहुत तेजी से उड़ता हुआ आता है और कटीली झाड़ियों में जाता है, जिससे अपने पंख क्या करता है, काटने की कोशिश करता है। उसमें से कुछ पंख उसके झड़ जाते हैं, फिर नहीं झड़ते, फिर दोबारा आता है, फिर झाड़ता है, फिर जाता है, फिर झाड़ता है, कटीली झाड़ियों में तेजी से उड़ के आता है। उसके बाद जब पंख हल्के हो जाते हैं तो वो उड़ने के काबिल हो जाता है, बढ़िया, तब अच्छे। नहीं तो अगर कोई उड़ेगा नहीं तो दूसरा शिकार कर लेगा, ये प्रकृति का नियम है ना, प्रकृति का नियम, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, अगर वो उड़ नहीं पाया तो दूसरा क्या हो जाएगा, मार के चला जाएगा, कोई भी हो सकता है, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी, अगर उड़ नहीं पाया तो तब भी मारा जाएगा, खा नहीं पाया तब भी मारा जाएगा, इससे अच्छा थोड़ा एफर्ट लगा, यही तो करता है वो। तो उसको काटे, जरूरी नहीं है पंख ही कटते हैं, यहाँ भी चुपते हैं, यहाँ भी चुपते हैं, हर जगह चुपते हैं, उसे दर्द भी होता है, खून भी निकलता है, लेकिन फिर भी वो करता है, अपनी इच्छा से करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी लाइफ को और ज्यादा बढ़ाना है। संघर्ष, इतनी परेशानियां सहता है, उसके बाद अपनी चोंच को ना, चोंच को पत्थर पे मार के तोड़ता है, ऐसे करके पत्थर पे मार के अपनी चोंच तोड़ता है, अपने पंजों को घिसता है ऐसे ऐसे करके पत्थरों पे, जिसको घिसते समय क्या होता है, उसकी खाल भी घिस जाती है। वो क्या करता है, अपने पंखों को काटा है कटीली झाड़ियों से, उसके बाद क्या करता है, अपने जो चोंच है उसको पत्थर पे मार मार के तोड़ता है, तब जाके एक वो क्या होता है, एक उड़ने के लायक और खाने के लायक बनता है, जब चोंच छोटी हो जाती है। तो इतना संघर्ष करने के बाद जब वो इतनी परेशानियां झेल लेता है तो 20 साल उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। आज हमेशा याद रखना, भगवान भी परीक्षा उसी की सबसे ज्यादा लेता है जिसमें परेशानियां सहने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। सबसे ज्यादा परेशानियां सहने की ताकत जिसके अंदर होगी उसकी परीक्षा भी ज्यादा ली जाती है। और आपने यहां पे भी रियलाइज करा होगा, जो सबसे तेज बच्चा होता है उसके नंबर सबसे ज्यादा काटता हूं मैं, जो सबसे तेज बच्चा मुझे लगता है उसके नंबर भी सबसे ज्यादा काटता हूं मैं। क्यों? ताकि वो और इंप्रूवमेंट करे, और इंप्रूवमेंट करे। तो आप एक बात सुनो, जब भी परेशानी आए, जब भी कोई परेशानी आए, ना पढ़ने का मन करे, आप सोच लेना, आपको बस एक ही बात सोचनी है कि भगवान क्या मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए मेरे साथ परेशानी आ रही है। और जिसकी परेशानी जितनी ज्यादा है, जितना ज्यादा जो संघर्ष करेगा, उसकी ऊंचाई भी उतनी।